Okay, architecture, Sikh architecture. Now, when you say Sikh architecture, I don't endorse this term. I don't endorse the term Islamic architecture. I don't endorse the term Sikh architecture. Architecture can never be bound to a religion. You can bound it to a region. आप किसी भी गुरुद्वारे की या किसी भी बिल्डिंग जो सिखों से एसोसिएटेड है उसकी कोई पुरानी फोटोग्राफ देखो तो उस इलाके का जो भी आर्किटेक्चर चलता था, आप लाहौर चले जाइए, ऊपर आप पेंडी के इलाके में चले जाइए और उससे पीछे चले जाइए, तो वहाँ के लोकल आर्किटेक्चर में सारी बिल्डिंग्स बनी होती थी। दिल्ली में जो पुरानी सिखों की बिल्डिंग्स बनी है वो दिल्ली में जो भी आर्किटेक्चर राजस्थानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उस पर बनी है। रकाबगंज गुरुद्वारे की पुरानी फोटोग्राफ, मौका मिला तो आज आपको दिखाऊंगा अगर मेरे फोन में हुई तो, आप उसको देखेंगे तो एक सिंपल सा कमरा जिसमें एक आर्च बनी हुई है विच लुक्स वेरी मच लाइक अवधि आर्च। अभी जो रकाबगंज गुरुद्वारा जहाँ से आज हमने शुरू किया उसमें हम नोटिस करिए ऊपर जो डोम है इट लुक्स लाइक ए डबल डोम बाहर से, एक एक्चुअल में सिंगल डोम ही है, अनियन डोम जो बनते हैं मुगल आर्किटेक्चर में, लेकिन उसमें जो आर्चेज है सेंटर में कीस्टोन पे टेसो का फूल बना हुआ है विच इज अवधि, जो छज्जे बने हुए हैं दैट इज टिपिकली राजस्थानी आर्किटेक्चर। ये दिल्ली का आर्किटेक्चर है, दिल्ली में सब मिक्स हो गया था हर जगह से आके। सो सिख आर्किटेक्चर में ये कहना है कि नहीं हम डोम्स बनाते हैं, सिख तो डोम बनाते ही हैं, ये गलत है। वन ऑफ यू ऑल्सो सेड कि ये बहुत ज़्यादा मस्जिद की तरह क्यों लग रहा है, क्योंकि डोम्स तो मस्जिदों पे होते हैं, ये भी गलत है। श्रीनगर की किसी मस्जिद पर डोम नहीं है, केरला की किसी मस्जिद पर डोम नहीं है। जो सऊदी अरेबिया के बाहर पहली मस्जिद बनी थी वो चेयरमैन में बनी थी केरला के अंदर, वो आज भी एग्जिस्ट करती है, उस पर डोम नहीं है, छत डली हुई है। जब उसमें आग लग गई थी तब किसी ने वो दोबारा से जब रिकंस्ट्रक्ट की तो उसमें डोम बना दिया, फिर उसको तोड़ा गया और फिर से बनाया गया और पुराने केरला के आर्किटेक्चर में बनाया गया। जो कश्मीर के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें से एक मस्जिद में 1980s या 90s के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई थी, तब फिर से उसको जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो उस पर डोम बना दिए गए थे। आई डोंट नो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बट मुझे बताया गया था कि वो उस पर काफ़ी लोगों ने इतराज़ किया था कि ये श्रीनगर का आर्किटेक्चर नहीं है, डोम्स क्यों बना रहे। जो पहली मस्जिद बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, जो पहली चेरवन जुमा मस्जिद के बाद जो अगली मस्जिद बनी, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मॉस्क भी है कुबतुल इस्लाम मॉस्क, एक भी डोम नहीं है वहाँ पे। सो डोम शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद अ रिलीजन, रादर एनी एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद रिलीजन। हाउएवर देर आर सर्टन एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर विच कैन हेल्प इन सर्टन प्रैक्टिसेस ऑफ अ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, हर मस्जिद के बाहर वजू खाना जरूर होगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स व्हेन यू गो टू प्रे, तो आपको हाथ में पैर धोने हैं तो उसके लिए आपको जब वजू करना है तो वजू खाना बनाना पड़ेगा, तो हाँ वजू खाना मिलेगा, दैट कैन बी अ रिलीजियस थिंग एंड नॉट अ रीजनल थिंग। सिमिलरली गुरुद्वारे में जाओगे, गुरुद्वारे के बाहर और मंदिर के बाहर भी कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पर आप अपने जूते उतार सको, पानी का कोई सोर्स ऐसा जरूर होगा जहाँ पर आप अपने हाथ धो सको, वो एक रूटीन प्रैक्टिस की एक नेसेसिटी है, इसलिए वो होता है। आई होप आर्किटेक्चर वाला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन ऑन आर्किटेक्चर? नेक्स्ट पार्ट वाज म्यूजिक। दो तीन चीजें थी, प्रतीक वांटेड टू नो मीनिंग ऑफ फ्यू थिंग्स, कहाँ से शुरू करूँ? आपने सबसे पहले मुझसे जंगनामे का पूछा था, एक जंगनामा है और एक उसको बोलते हैं एग्जैक्ट नाम शायद ठीक से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट देयर इज वन ऑफ द शब्द जिसमें जो पाइनांदलाल गोवा जी का जो लिखा हुआ है, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह रेजा किंग ने खान गुरु गोविंद सिंह, वो पूरी गुरु गोविंद सिंह जी की उन्होंने शब्द लिखी है, उनकी प्रेजेस लिखी है, सो वो है दैट इज ऑल पर्शियन। मे बी आई कैन शेयर द एंटायर टेक्स्ट विद यू, वो बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन भी। और दूसरा आपने मुझे चौपाई साहब का पूछा था, चौपाई इज बेसिकली चार पदों की या चौपायों की पाए, उससे चौपाई इसमें बनाए, अमरी करो हाथ दे अच्छा। अगर आप गुरबानी को थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी पूरी क्लियर हो जाएगी कि हमरी करो हाथ धोए रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा, चित्त मीन्स माई हार्ट, तब चरणन मन रहे हमारा। नाउ वी गॉट सम संस्कृत वर्ड्स है, तो संस्कृत से आता है और क्योंकि पंजाबी में हम तो नहीं लिख पाते, हम तब लिखते हैं उसको, तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा, अपना जान के हमारा प्रतपार करो हमारा उद्धार करो। तो ये पूरा इट गोज लाइक दैट ओनली, इट्स जस्ट दैट वन नीड्स टू रीड लिटिल स्लोली। टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, एक
शब्द मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे बताइए वो कौन सी लैंग्वेज का है। कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। कहाँ पे हो जो दो लोचन, लोचन पता है इसे कहते हैं आंखों को। कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। संस्कृत नहीं है, हिंदी है, किस रीजन की है? भोजपुर से अवध की तरफ मुड़ी है थोड़ा सा, ये कानपुर के आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ पे ये वर्ड यूज है बक और लोचन। वर्ड अब तो खैर नहीं होता, पहले रहा है रहा होगा। तो कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए हो। ना तो फिर लिए सात समंदरन लोक गयो पर लोक गवायो। सास किए बखियान सो बैठ के, बखियान सास किए बखियान सो बैठ के ऐसे यस सो बैस बितायो। सच कहूँ सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने सवैये के सवैयों में से एक सवैया है, दस सवैये थे उस पर देख लिया, बहुत प्यारा लगता है। गुरुमुखी इज अ स्क्रिप्ट, शामुखी इज ऑल्सो स्क्रिप्ट, दे आर नॉट लैंग्वेज, दे आर स्क्रिप्ट। शामुखी यूज करके आप पंजाबी लिख सकते हो, अरबी लिख सकते हो, अंग्रेजी लिख सकते हो, कुछ भी। गुरुमुखी यूज करके भी कुछ भी लिख सकते हो। लैंग्वेज इज डिफरेंट, स्क्रिप्ट इज डिफरेंट। जो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट बेसिकली हिंदी से डेराइव है, हिंदी के कुछ अल्फाबेट्स ट्विस्टेड है। सो शरासनी वॉज दी लैंग्वेज जिससे गुजराती, पंजाबी और पंजाबी के अंदर भी माझी, मलवई, गड़गज, दुआबी, चांगी, मुल्तानी, ये सारी लैंग्वेजेस के अंदर से निकली है। तो यहाँ से जो डेरिवेटिव्स बनते गए, इनकी जो कॉमन स्क्रिप्ट यूज हो रही थी एक पॉइंट टाइम पे हिंदी यूज हो रही थी और हमारी जो देवनागरी है या नश्तलिक यूज हो रही थी, और इस रीजन के अंदर इन्होंने जो देवनागरी है उसको थोड़ा सा ट्विक कर लिया था जो उस टाइम के लोग थे। आर फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी इज वाइडली क्रेडिटेड विद दिस थिंग। सिक्स्थ गुरु इज ऑल्सो क्रेडिटेड इन शेपिंग अप गिविंग द ग्रामर। और टेंथ गुरु इज क्रेडिटेड बाय एडिंग फ्यू मोर वर्ड्स श और ज़, क्योंकि फारसी में जब वो लिख रहे थे, कभी आप किसी को सत श्री अकाल कहते हुए नहीं सुनोगे, सत श्री अकाल कहते हो, क्योंकि श वर्ड था ही नहीं पहले, स भी नहीं था। ग्रंथा में कहीं आपको नुकता नहीं मिला, जैसे कुरान में नुकता नहीं था पहले, ग्रंथा में भी आज तक कोई नुकता नहीं है, ये पक्की निशानी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी नहीं है ग्रंथा में। सो डॉट नहीं है, श और ज नहीं मिलेगा आपको, और दसम ग्रंथ भरा हुआ है इन वर्ड से, श और ज के वर्ड से, डॉट स के पैर में डॉट लगा तो श बन जाता, ज के पैर में डॉट लगा ज बन जाता पंजाबी में, तो वो उसमें नहीं है ग्रंथा में, नहीं क्योंकि पहले पुरानी पंजाबी में नहीं था, जस्ट अ स्क्रिप्ट। तो पंजाबी में जमीन ही कहा जाता, जमीन ही कहा जाता। व्हाट एल्स? क्योंकि हमेशा एक गुरु अपने से पहले गुरुओं की वाणी को ऐड करता था, अपनी वाणी को अलग रखता था, क्योंकि अपनी वाणी को वो नीचे दर्जा देता था। गुरुओं की वाणी अपने से बड़ों की वाणी को हमेशा, इवन जब फिफ्थ गुरु ने कंपाइल किया था पोथी साहब, तो उन्होंने अपने से ऊंचा रखा था। और जब वो गुरु ग्रंथ साहब की स्टेज पर आ गए हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी कभी भी खुद को बराबर नहीं लेके आएंगे, तो उनका अलग रहा, क्योंकि उनके बाद कोई और ऐसा गुरु नहीं आया जो उसको ऐड करता। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद नौवें गुरु के अपने फादर की वाणी तो ऐड कर दी, बट उनकी वाणी ऐड करने वाला कोई नहीं था, सो वो अलग रहा। और वो इतनी ज़्यादा थी कि फिर अखंड पाठ छः दिन के होते, क्योंकि डबल साइज होता, एग्जैक्टली डबल है वो। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एग्जैक्ट जो सेंटर है, सेंटर वाला जो वर्ड है उसका, दैट इज मध्य, जो मध्य हिंदी के मध्य वर्ड से आता है। और जो लास्ट जो श्लोक है दैट स्टार्ट्स विद मुंद, मुंद मीन्स एंड, इट्स मुंद आवणी महल्ला पंचवा, फिफ्थ गुरु ने लिखा था। सो नाइन्थ गुरु की वाणी बीच में ऐड कर दी गई, और जो एक श्लोक फिफ्थ गुरु ने जब पूरा कंपाइल करके जब अपना एंड किया था तो वो आज भी एंड ही है, और उसके बाद ग्रंथ साहब का इंडेक्स है। तो दिस इज प्रोबेबली द ओनली रिलीजियस बुक टू कंटेन एन इंडेक्स विच इज कॉल्ड रागमाला, क्योंकि पूरा ग्रंथ साहब जो है वो रागों के हिसाब से ऑर्गेनाइज है। So, when I was doing one session in the Endeavorate Center about Sri Guru Granth Sahib Ji, one question that I was posed was, in what order is Guru Granth Sahib organized? Is it as per the person, the saint jinki bani hai, kya wo us order mein hai, ki pehle Guru Nanak Dev Ji ke aage, phir Guru Angad Dev Ji ki, Amar Das Ji ki, ya kya order hai? So basically, all those 30 plus people have contributed. उन्होंने अलग अलग रागों में वाणी बोली है,
और इन रागों के हिसाब से ग्रंथ साहब के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, पहले इस राग की, फिर इस राग की, फिर इस राग की। सो अगर पांच अलग अलग लोगों ने उस राग में वाणी उचारी है तो उस राग की सारी वाणी पांचों की एक साथ इकट्ठी कर दी गई थी। और एंड में जो इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम रागमाला कहते हैं, दैट इंडेक्स बेसिकली डिस्क्राइब्स और टेल्स कि कौन कौन से राग यूज हुए हैं, किस ऑर्डर में यूज हुए हैं। 6 मेन राग यूज हुए हैं और आप में से जिनको राग विद्या की नॉलेज है, मुझे इतनी आइडिया नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि रागों को जब गाया जाता है तो हर राग के साथ 5 रागनियां और 8 पुत्र या 8 नंदन या 8 सब राग होते हैं जिनका पूरा कॉम्बिनेशन ये बनता है। तो ये जो रागमाला है ये एक्चुअल में वही एक अरेंजमेंट है कि कौन सा राग है, उसकी कौन सी 5 रागनियां हैं, 5 बीवियां हैं या 5 बैरंगनियां हैं और उसके 8 नंदन कौन कौन से हैं। सो रागमाला गोज लाइक दिस कि राग एक संग पंच बैरंगन और संग अलापे आठो नंदन, एक राग के साथ 5 बैरंगने हैं, 5 रागनियां हैं और 8 उसके पुत्र हैं, 8 उसके नंदन हैं। तो राग एक संग पंच बैरंगन संग अलापे आठो नंदन, प्रथम राग भैरवे करहे, पहला जो है वो राग भैरव, प्रथम राग भैरवे करहे पंच रागनी संग उचरहे, और ये उचारा जाता है 5 रागनियों के साथ। सो प्रथम राग भैरवे करहे पंच रागनी संग उचरहे, प्रथम भैरवी बिलावली पुन्या की गावे है बंगली, उन असलेखी की पहिवारी ए पैरों की पांचों नारी। अब जो 8 बेटे हैं, 8 नंदन हैं, उनके नाम आएंगे। पंचम हरख दिसाख सुनावे है, बंगालम मद माधव गावे, ललित बिलावल गावे ही अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र पैरों के गावे गायन पात्र। ये 8 तो राग बिलावल या मद माधव, ये नाम शायद आपने सुने हो। पंचम द्वितीय माल कौस आलापे संग रागनी, पांचो थापे देवगरी धर गोंड गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी तनासरी, ये पांचो आज। तो दिस कीप्स ऑन गोइंग, देन फिर जो है दीपक राग आते हैं, फिर सब मिल श्री राग वे गावे, पांचो संग तरंगल लावे, श्री राग सबसे बड़ा राग माना गया है, उनकी पूरी लिस्ट चलती है, उनकी रागनियां कौन सी, उनके बेटे कौन से हैं। एंड में कष्ट राग पुर गाए संग रागनी 30, सबे पुत्र रागन के 18 10 20, 18 + 10 + 20 इज 48, 8 × 6 इज 48, 48 गुड मैथ्स। 5 रागनीज विद 6 राग, दैट इज 30 रागनियां। तो कष्ट, कष्ट मीन्स 6, कष्ट राग पुर गाए संग रागनी 30, सभी पुत्र रागन के 18 10 20, दैट्स हाउ ग्रंथ साहब राइट्स, दैट्स द लास्ट लाइन। सो दिस इज अबाउट रागमाला, दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राग्स इन इंडिया। व्हाट नेक्स्ट, और कौन सा टॉपिक था जो आपको पूछना है? एक तारा कानपुर, हाँ जी, तार शहनाई, तार शहनाई। There is one concept which is called tanti saaz. So tanti saaz जितने भी हैं, पुराने टाइम में नॉर्थ इंडिया में पंजाब के रीजन में, and मैंने से पंजाब का रीजन, I'm talking about entire पंजाब का रीजन, जिसमें से काफी हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान में चला गया, यहाँ पर tanti saaz या तार वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ज़्यादा चलते थे। जो जैसे हारमोनियम के तो वैसे भी खोज दिल्ली में ही हुई है, हजरत अमीर खुसरो को क्रेडिट दिया जाता है उसके लिए। तो अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो ट्रेडिशनल तरीके से पाठ होता है हारमोनियम, अब टाइम के साथ गुरुद्वारों में हारमोनियम और तबले पे कीर्तन शुरू हो गया है, लेकिन आज भी जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं वो या तो रबाब यूज करते हैं या कोई भी उस टाइप का ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सो दिस पोएम आई रोट इन क्लास 6 एंड इट इज ऑन बंदा बहादुर। सो माय फर्स्ट पोएम वाज ऑन बंदा बहादुर कि बड़ा करामाती साध सुनिया है, बड़ा करामाती साध सुनिया है, गुफा ताई जिस डेरा लाया है, दुख दर्द गरीबां दे हर लेंदा, माधो दास नाम बताया है। अज आई सच्ची सरकार सामने, अज आई सच्ची सरकार सामने, नहीं ओ भी पछाण पाया है, दिखाए करामात ते उस जोर काफी, पर ना गोविंद दा भेद पाया है। हुण आई वारी मेरे मालिक दी, हुण आई वारी मेरे मालिक दी, पहले कौतक च रंग दिखा दिते, ओ मस्ताना आज नचन लगा, ओनू भेद सारे समझा दिते, फिर दे के थापी पिठ उसदी थे, फिर दे के थापी पिठ उसदी थे, ओनू वल सरहंद ते तोड़ दिता, केंदे जा लै लै बदला नी अज खलोतियां दा, तेनू अज मैं सारा जोर दिता।
दुनिया आखेगी तेनों बंदा बहादुर, दुनिया आखेगी तेनों बंदा बहादुर, सब पासे तेरे चर्चे होवनगे, ते जिथे भी तेरा जिक्र चले तेरे नाम ते सजदे होवनगे, तेरे नाम ते सजदे होवनगे। लंगर वेरी टेस्टी। सो बेसिकली लंगर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखिज्म का यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि लंगर इससे पहले भी लगते थे लेकिन अलग तरीके से होता था। सिखिज्म में आके इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और रिफाइन किया गया, जैसे भी कोई भी कॉन्सेप्ट एक जनरेशन दूसरी जनरेशन मूव करता है वो रिफाइन होता है या इवॉल्व होता है। सिखिज्म में ये कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ कि कहते हैं गुरु नानक देव जी को 20 रुपये दिए गए थे और उनके पिताजी ने कहा था मेहता कालू जी ने कि तुम जाओ और कोई ढंकी को ट्रेड वेड करके वो सामान लेके आओ, यहाँ बेचेंगे, कुछ ट्रेडिंग करते हैं। ये गए और उनको कुछ साधु मिल गए। अब कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि वो जो साधु उनको मिले थे वो भगत कबीर जी थे, उनकी टोली थी, बट सम से कि नहीं ऐसा नहीं था, सो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन। एनीवेज उनको कुछ साधु मिले, उनकी बातें बहुत अच्छी लगी गुरु नानक देव जी को, तो उस 20 रुपये में से जितना भी खाने का सामान चाहिए था उन्होंने लिया, वो उनको खिलाया और बाकी पैसे उनको दान में दे दिए जो बचे होंगे। तो 20 रुपये का पूरा सामान में तो 1400-1500 में तो पूरा गांव खा लेता, काफ़ी कम कॉस्ट हुआ करती चीज़ों की, तो मैंने बाकी पैसे उनको दे दिए। और कहते हैं कि उस टाइम पे गुरु नानक देव जी को उनसे जो मैसेजेस मिले, जो इन्फॉर्मेशन मिली या जो ज्ञान मिला, उन्होंने उसके ऊपर और काम किया और जब वो 40 साल के हुए तब कहते हैं वो एनलाइटन हुए, मतलब उन्होंने सबसे पहले जपजी साहब उचारा था। गुरु नानक देव जी इससे पहले उनके लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनसे लगता है कि हाँ ही इज़ सम स्पिरिचुअल फिगर, इज नॉट एनी ऑर्डिनरी पर्सन, वो झलक हर वक्त मिल रही थी उनके लाइफ से। तो लंगर का उन्होंने इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट शुरू किया और उसके बाद जगह जगह पे लंगर शुरू कर दिया। लंगर जब तैयार किया जाता है उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो धीरे धीरे हमारे कल्चर से जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत डिटेल में उनके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन पुराना जो ट्रेडिशन है वो ये है कि जो रोटी बनती है जिसे प्रसादा कहते हैं, प्रसादा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपके हाथ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए, आपके हाथ के अंदर अंदर नहीं फिट होगा, ताकि अगर आप अपने फिंगर्स को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करोगे तो उसकी कटोरी बन जाएगी। और जो भी दाल या सब्जी होगी वो बहुत डेंस होनी चाहिए, सो ओरिजिनली दाल बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, वो इतनी डेंस होनी चाहिए कि अगर आपने कटोरी बना के अपने हाथ में रोटी पकड़ ली है, उसमें दाल डाल ली है, आपके पास प्लेट नहीं है, चम्मच नहीं है, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट आप खाना खा सको। दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स। उसके बाद एक कहते हैं एक स्टोरी है कि जिसमें गुरु नानक देव जी से कुछ साधु मिलने आए और कहता कि जो भी घर आएगा उसको खाना तो खिलाया जाएगा, लंगर तो छुटाया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं हमें से किसी के मुंह में भी दांत नहीं है, अब आप हमें खाना कैसे खिलाओगे। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम एक काम करो, तुम आटा लो, जितना आटा लिया है उसमें उतने घी डाल दो, उतनी चीनी डाल दो और उससे डबल पानी डाल दो और पका के ले आओ। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ कड़ा प्रसाद। तो उन्होंने वो कड़ा बना लिया और कहते भैया आप खा सकते हो, इससे आपको जमाने की जरूरत नहीं है। और कड़ा प्रसाद की दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अगर आपके सामने बहुत सारा कड़ा प्रसाद है, आपको भूख लगी हुई है लेकिन थोड़ी देर के आप 2-4 बाइट लोगे उसके बाद आपसे खाया नहीं जाता, तो अगर आपको कड़ा प्रसाद बहुत सारा खाना है तो आपकी टंग पे आपकी जुबान पर वो ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, जैसे ही आपने उन्होंने रखा अंदर सोना, और अगर सही रेसिपी से बना हुआ है तो उसमें इतना ज़्यादा घी है कि जैसे वो आपके हाथ में आएगा घी पूरा इतना होगा कि वो आपके गले में फंस नहीं सकता, नहीं टच और रुकेगा नहीं, वो आपके गले को चोक नहीं कर सकता, इतना घी होता है जो ओरिजिनल रेसिपी है, तो जितना मर्जी अंदर फेंको। कड़ा प्रसाद है लंगर, तो इसमें जो अलग अलग डिशेज होती हैं वो रीजनल होती है कि फिक्स है कि देश में कहीं भी होगा तो यही बनेगा? फिक्स कभी भी नहीं होती है, रीजनल होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें नमक मिर्च हमेशा कम रखा जाता है लंगर में, और जो भी वहाँ पर अवेलेबल चीज़ है हमेशा वही चीज़ बनाई जाती है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि यही आइटम ही होनी चाहिए। अब क्योंकि वो चीज़ें हर जगह मिलने लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही बनाना है। हाँ जी, सो बेसिकली लंगर जो है जब तैयार किया जाता है तो ये कहा जाता है
भोग लगाया जाता है, भोग ऐसे थोड़ा सा निकाल लिया जाता है गुरु जी के लिए अरदास करके, वही चीज वो वापस मिक्स कर दिया जाता है। सतगुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच पहले तैयार किए थे तो उन्होंने खुद भी अमृत चढ़ा था, खालसा मेरा रूप है खास, खालसा मैं हूँ करो निवास, और उसी में उन्होंने कहा था कि खालसा मेरो सतगुर पूरा, मैं खालसा खालसे का हूँ, खालसा मेरा है। तो उन्होंने खालसे को अपना गुरु भी माना था, मतलब ही उनका नाम गोविंद राय से गोविंद सिंह हुआ था। तो उसमें जो अरदास करके वापस उसमें मिक्स कर दिया जाता है और फिर उस समय बांटते हैं। कड़ा मतलब दैट यूटेंसिल जिसमें बन रहा है, कढ़ाई कढ़ाई कड़ा प्रसाद इज डिफरेंट, कढ़ाई में प्रसाद बनता है। वो कड़ा वहाँ पे क्या मतलब है जी, कड़ा प्रसाद में कड़ा का क्या मतलब है? कढ़ाई से ही, जहाँ तक मेरा ख्याल है कढ़ाई से ही वो वर्ड आया है।